भगवान बुद्ध का जीवन एपिसोड 3। भगवान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में सबसे पहले अनुवाद हुआ था। अनुवाद तो हो गया, किंतु वह छपे कैसे? उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने यह काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से एक एक रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपये हो गए। ग्रंथ छपने के लिए इतना ही धन चाहिए था। अचानक जापान के उस प्रदेश में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। उस भिक्षु ने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। अनेक लोगों ने कहा, यह तुमने क्या किया, अब ग्रंथ कैसे छपेगा? बौद्ध भिक्षु चुप रहा। अकाल समाप्त होने पर उसने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। उसने फिर 10,000 रुपए इकट्ठे किए, किंतु फिर तभी उस प्रदेश में जोरदार भूकंप आ गया। उस भिक्षु ने उन रुपयों को भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ खर्च कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है, भिक्षु वृद्ध हो गया है। उसने फिर चंदा मांगने का कार्य शुरू किया। एक बार फिर उसने 10,000 रुपए एकत्र कर लिए। सौभाग्यवश इस बार कोई आपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर छपा था तृतीय संस्करण। उसने नीचे छापा था कि इस ग्रंथ के पहले संस्करण बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।